खुली खुली टी शर्ट पाऊंगा, सोनी सोनी कुड़िया फसाऊंगा। अबे ये क्या है, स्टाइल है ब्रो। ये देख ये देख ये देख, सब कुछ बड़ा बड़ा, वो भी बड़ा। आजकल का ट्रेंड है, तुम्हें नहीं पता। कसम से ऐसा लग रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का सेक्सी सा वन पीस ड्रेस डाल रखा है तूने। ओवरसाइज टी शर्ट को डालने का भी एक ढंग होता है भाई। कैसे? ये वीडियो देख। What's up guys, Trendzy here। हाँ जी, अब देखो यार, इस टर्म को समझो पहले ढंग से, oversize। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये इंटरप्रिटेट होता है कि एक साइज प्लस, एम साइज वाला बंदा एल ले लो, एल साइज वाला बंदा एक्सएल ले लो और हो गया oversize। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक फिट आएगी ऐसी और एक फिट आएगी ऐसी। अब आप ही बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, नंबर वन या नंबर टू? बताओ बताओ, नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है, बताओ। टैक्स नहीं लग रहा है कॉमेंट करने पे। एनीवेज, आई नो आप बोलोगे नंबर टू, आई नो माई सब्सक्राइबर्स, बट फर्क क्या है दोनों में? नंबर वन ऑब्वियसली मेरा साइज नहीं है, मैं यूजुअली जो है वो एल डालता हूं और ये है डबल एक्सएल। और जो नंबर टू है वो एल ही है जो मैं डालता हूं, जो मैंने अभी भी डाली है। और जो इसका फिट है वो बॉक्सी फिट है, तो अपने को ये लेना है, डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल नहीं। तो मेन ज्ञान आज का ये है कि अगर आप एक ओवरसाइज टी शर्ट ले रहे हो ना, तो आप एक ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट ले रहे हो बॉक्सी फिट में, वो भी अपने एक्चुअल साइज में, वो प्लस 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 में नहीं। वैसे मैं इस तरीके की बॉक्सी ट्राउजर सिलवाने की भी सोच रहा हूं, कसम से यार बहुत डोप लगती है और ट्रेंड में भी बहुत है आजकल। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बने, कैसा कपड़ा लें, कहां से सिलवाएं, क्या बोले अपने दर्जी भाई को, कैसी फिट रखवाएं इसकी और कैसे स्टाइल करें, मतलब एक होल डिटेल वीडियो, क्वेश्चन ऑफ द डे भी यही है, यस और नो आपके ऑप्शन है। ठोक दो नीचे कमेंट्स, 100 कमेंट्स आने चाहिए कम से कम। तो चलो भाई, अब देखते हैं कि ओवरसाइज टी शर्ट को स्टाइल कैसे करें प्रॉपरली। यहां दो ब्रांड्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता, मैं गरीब हूं। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं ग्रेजुअली बिल्ड कर रहा हूं अपना ओवरसाइज वाला वार्डरोब, अभी थोड़ा टेक्निकल इशू है, समझ गए ना। वन ब्रांड इज मिस्टर बोबर्ड एंड सेकंड वन इज ब्लू सेंट, दे बोथ आर प्रीटी गुड इन शेप एटलीस्ट, जो एक्चुअल में होनी चाहिए, राइट लेंथ, राइट स्लीव्स लेंथ एंड राइट बॉक्सी रेगुलर फिट। एक है थोड़ी फंकी लुक में, थोड़ी यो-यो लुक में, यो-यो थारा भाई हो क्या बोलता हो, और दूसरी है थोड़ी सिंपल और क्लासी लुक में। और एक चीज और जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है कि ओवरसाइज टी शर्ट में कपड़ा जितना थिक रहेगा ना, वो बॉडी पे उतना ही ज्यादा बॉक्सी लुक देगा, और अगर कपड़ा थोड़ा थिन होगा तो वो बॉडी पे चिपकेगा। सो इट्स बेटर टू गो विद थिक वन, थिक थिक मोटा। okay. अब मेरे पास ब्लू सेंट की टी शर्ट ऑलरेडी थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि थिक कपड़ा ज्यादा बेटर लगता है, मैंने ये मिस्टर बोबर्ड की परचेज की। कि आप जब थोड़ी सी रेंज बढ़ाते हो ना, 700-800 रुपए जब डालते हो एक टी शर्ट में, तो फिर सब मिलता है आपको, क्वालिटी वॉलिटी टशन पशन सब मिलता है। अब ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ना मिस्टर बोबर्ड, बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स के अंदर जो है वो ओवरसाइज टी शर्ट दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो बेज कलर का लिया है, लेकिन आप ये सारे कलर देखो, है ना प्रीमियम वाइब, ऐसी थोड़ी आपका भाई। अब मैंने भी भाई ये मिंत्रा से ली है, पैसा खर्चा करके अपना, कहीं स्पॉन्सर वॉन्सर मत समझ लेना आप, लेकिन ब्रांड अच्छा है तो तारीफ होगी। और अगर मैं बात करूं ब्लू सेंट ब्रांड की, तो इसके आर्टिकल काफी फंकी फंकी हैं और इससे थोड़े से सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, फैब्रिक इसका वो थिक वाला नहीं है। लिंक आपको दोनों ही ब्रांड्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट आई पर्सनली रिकमेंड दिस ब्रांड इफ यू रियली वांट टू फील दैट ओवरसाइज वाइब। तो इससे पहले आप टी शर्ट को स्टाइल करके खुश हो जाओ और हवा में उड़ जाओ, थोड़ा यूट्यूब को भी हवा में उड़ा लेते हैं लाइक बटन दबा के। कम ऑन गाइस, हिट द लाइक बटन, मुझे 1000 लाइक्स चाहिए चाहिए इस वीडियो पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक भी जरूर कर देना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ओवरसाइज टी शर्ट को स्टाइल कैसे करें, और मैं ज्यादा कंफ्यूज और बोर नहीं करूंगा आपको, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एडवांस तक जाएंगे, इतना एडवांस जो आप कर सको। तो द फर्स्ट आउटफिट इज विद माय स्लिम फिट जींस, ओवरसाइज टी शर्ट, स्लिम फिट जीन्स एंड बैलेंस करने के लिए थोड़े से चंकी स्नीकर्स। और क्योंकि यहाँ जीन्स हम स्लिम फिट डाल रहे हैं, तो टी शर्ट को हम हाफ टकिंग कर सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा कूल बॉय वाइब, थारा भाई वाली वाइब नहीं, नो। एक्सेसरीज आप ब्रेसलेट, चेन या फिर नेकलेस, एक अच्छी मिनिमल वॉच डाल सकते हो ब्लैक या सिल्वर कलर की, और ये है आपकी आउटफिट नंबर वन। तो चलिए अब देखते हैं आउटफिट नंबर टू। इस आउटफिट में गाइस हम ऊपर से लेकर नीचे तक सब बैलेंस रखने वाले हैं, अगेन बॉक्सी फिट या फिर ओवरसाइज टी शर्ट, और पैंट या फिर जीन्स हम यहाँ पे डालेंगे रेगुलर फिट या फिर स्ट्रेट फिट, अगेन विद स्नीकर्स। यहाँ मैंने अपने एयरफोर्स वन डाले हैं, आप चाहो तो इस तरीके के भी चंकी स्नीकर्स डाल सकते हो, इनका भी आजकल फुल ऑन ट्रेंड है। अब ये आप देखो ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आउटफिट बैलेंस है। एसेसरीज ऐड करना मत भूलना, यहाँ मैं एक बैग भी ऐड कर रहा हूँ, अगर ये मेरे स्नीकर्स या फिर मेरी डेनिम के साथ थोड़ा मैच होता तो और भी सही लगता, बट अभी मेरी आउटफिट में ये बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हटा दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कूल दिखना है हमने। अब देखते हैं थर्ड आउटफिट, ओवरसाइज टी शर्ट, बैगी जीन्स एंड अगेन माई एयरफोर्स वन स्नीकर्स। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है,
तू सा। जब पहली दो आउटफिट में आप कर लोगे ना गेम, मतलब डालोगे उसको तीन चार बारी, कॉन्फिडेंट हो जाओगे उसमें, तो इस पे आ सकते हो। यहाँ मैं एक साइड लेदर बैग भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टी शर्ट और स्नीकर्स दोनों के साथ मैच कर रहा है, और ब्रेसलेट, चेन और वॉच जैसी चीजें तो आप ऐड कर ही सकते हो। कौन सी आउटफिट बेस्ट लगी आपको, 1, 2 या 3, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। कॉमेंट जरूर आना चाहिए, 100 कॉमेंट्स मतलब 100 कॉमेंट्स। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जरूर करना। और अगर आपको जो है वो स्ट्रीट वेयर के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखनी है तो इस कार्ड पे क्लिक करो। और लेटेस्ट 2022 के समर ट्रेंड्स, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ट्रेंड्स अगर आपको देखने हैं तो इस कार्ड पे क्लिक करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।